हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे देती मन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 11 सितंबर को अलग अलग पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जहां क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाधारी यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। कोई फीस नहीं लगेगी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त दिए गए एड्रेस पर ही आप लोगों को सेंड करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। ना ही कोई एग्ज़ाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो सिलेक्शन जो है कैसे होगा? मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। 10th में आपके जितने मार्क्स हैं, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं, उसके आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगी और आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी यहाँ पर 8800 से लेकर 31500 तक मिलने वाली है। तो चलिए कंप्लीट एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जारी किया गया है। सरगुजा से ये वैकेंसी आई है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट में आपको सबसे पहले ही नजर आ रहा है स्टार्टिंग डेट जो है 11 सितंबर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। एंडिंग डेट रहेगी 26 सितंबर। तो चलिए एडवर्टीजमेंट के लिए व्यू पर हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पर पोस्ट नाम आपको नजर आएगा, सैलरी मेंशन की गई है, कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट को बांटा गया है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। सबसे हाईअर पोस्ट जो है वो साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल की है। इसके बाद जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की है, MOIUs मेल की है, फीमेल की है। सोशल वर्कर की वैकेंसी है, जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट एप्लीकेशन कर पाएंगे। ब्लॉक मैनेजर की है, साइकोथेरेपिस्ट की है, नर्सिंग ऑफिसर की है, डेंटल असिस्टेंट की है। नेक्स्ट जो है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की है, यहाँ पर ANM की है। क्लास फोर्थ स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी है, जो 10th पास स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कुक कम केयर टेकर की है, अटेंडेंट की है, जहाँ 8th पास स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। स्टाफ नर्स की है, MPW मेल की है, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की है, क्लास फोर्थ UHWC की है। तो सैलरी आपको नजर आ रही है, सभी की अलग है। किसी की 10,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 16,500 है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास फोर्थ, जहां 10,000 सैलरी मिलने वाली है। कुल जो पोस्ट हैं वो 88 पोस्ट हैं, ठीक है। तो यहां क्लास फोर्थ के लिए 10th पास स्टूडेंट यहां अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए यहां पर मांगा गया है 12th पास और एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। MPW मेल के लिए यहां पर कहा है मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 12th मांगा गया है बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में, और एक साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। मल्टीपर्पज वर्कर ट्रेनिंग और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में। स्टाफ नर्स की है, जहां BSc नर्सिंग में आपने किया हो तो आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। नेक्स्ट अटेंडेंट के लिए और कुक कम केयर टेकर के लिए 8th पास मांगा गया है। लैब असिस्टेंट के लिए यहां पर जीव विज्ञान विषय के साथ 12th और लैब में कार्य करने का जो है अनुभव भी होना चाहिए। क्लास फोर्थ के लिए केवल 10th पास मांगा गया है। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 12th पास होना चाहिए, और जो डिप्लोमा है वो आपका एक साल का कंप्यूटर में मांगा गया है। नेक्स्ट ANM के लिए, जहां सैलरी 12,000 है और यहां पर 8 जो है पोस्ट हैं, 12th पास मांगा गया है ANM में। नेक्स्ट सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए यहां पर स्नातक मांगा गया है और एक साल का जो है वो आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरीके से यहां पर NMHP सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, इसके लिए भी जो है यही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। डेंटल असिस्टेंट के लिए कहा है यहाँ पर डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी, और साथ में यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वह मांगा गया 2 साल का। नर्सिंग ऑफिसर जो है BSc नर्सिंग या JNM कोर्स पास एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगे। उसके बाद जो है हायर पोस्ट आ जाती है, आप देख रहे हैं ब्लॉक मैनेजर के लिए जो है यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने BCom किया है 55% मार्क्स के साथ में और एक साल का जो है उसके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर का, तो यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। सोशल वर्कर के लिए जो है अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, रेगुलर आपने किया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो है
इन चारों हायर पोस्ट को भी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपके काम की है, आपने साइकोलॉजी से एमए किया है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमफिल साइकोलॉजी यदि योग्यता ना होने की दशा में एमएससी या एमए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जिलों में से एमफिल साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है साइकोलॉजी में, तो उनको यहाँ पर रख लिया जाएगा। 31,500 जो है यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए कहा है एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा मांगा गया है। एमओआईयू मेल और फीमेल के लिए क्या कहा है, तो जहां पर तीन पोस्ट है मेल के लिए और एक पोस्ट है फीमेल के लिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीएचएमएस या बीएएमएस या बीयूएमएस डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उम्र जो है यहाँ पर कही गई है उम्र 18 वर्ष और अधिकतम जो है वो 64 वर्ष होनी चाहिए। अभी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, ना तो कोई एग्जाम होगा ना कोई इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके 85% मार्क्स जुड़ेंगे। नेक्स्ट अगर किसी को एक्सपीरियंस है अनुभव है तो उसके 10 या 15 मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिया हुआ है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता हेतु। अंतिम चयन सूची निम्नांकित तो आधार पर बनाई जाएगी, 100 अंक इसके आधार पर बनाई जाएगी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अंक इनको जोड़कर। तो बहुत ही सिंपल है, कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। लास्ट में जो है आप देखें यहाँ पर अभ्यर्थी को आवेदन के साथ 100 प्रमाणित छाया प्रति नियुक्ति उपरांत कार्यालय में उपस्थिति के समय उपरोक्त वर्णित अभिलेखों की मूल प्रति और 100 प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ उपस्थित होना है। तो आवेदन पत्र के साथ में आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जो है पहुंचना होगा। 8th से लेकर आपकी जो क्वालिफिकेशन है हायर, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहते हैं, तो समय पर जो है वो पहुंचना होगा। और पहले आप लोगों को आवेदन पत्र का जो प्रारूप है इसे डाउनलोड करना है और दिए गए एड्रेस पर भेजना है। वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आई है, यही जो है वो एड्रेस रहने वाला है। यहाँ लिखा है आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट इसके द्वारा ही मान्य होगा, ऐसे आपको भेजना है। आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि 11 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म और अंतिम डेट है 29 सितंबर। यहाँ लिखा है कि प्राप्त आवेदनों की सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि, दस्तावेज सत्यापन, अन्य समस्त सूचना जिले की शासकीय वेबसाइट, ये मेन वेबसाइट है तो आप लोगों को इसी पर जो है वो मिलेगी। ठीक है, अलग से जो है आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। जब भी जो है आवेदनों की सूची का प्रकाशन होता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आप इसको जो है बिल्कुल देखते रहें। तो ये वैकेंसी है, यदि आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो जरूर फिल करिएगा।